بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے لیکچر میں ایک 3D ماڈل بنائیں گے اور پھر اس کا 2D ڈرائنگ بھی جنریٹ کریں گے. آرڈر انوینٹر اور اس طرح کے جتنے بھی 3D سافٹ ویئر ہیں، یعنی سالڈ ورک ہو گیا، پرو ہو گیا، سولڈ ریج ہو گیا، ماسٹر کیم ہو گیا، اس طرح اور بھی بہت ہے، کے ٹی آ گیا ہے، بلنڈر آ گیا ہے، تو ان میں 3D ماڈل پہلے کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر 2D ڈرائنگ اس میں بہت آسانی کے ساتھ جنریٹ کیا جاتا ہے، ڈائمینشن دیا جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ، اس میں بنایا جا سکتا ہے. چلو شروع کرتے ہیں. لائن لیا اور اس کا ڈائمینشن میں نے لیا 100. اس طرح میں نے رکھ دیا 20. بعد ایسا اب میں اس کا ڈائمینشن سیٹنگ، مجھے یہاں سے یہاں تک جو ہائٹ چاہیے وہ 30 چاہیے اور یہاں سے یہاں تک جو ہائٹ ہے وہ مجھے 30 چاہیے. یہ جگہ مجھے 20 چاہیے. یہ تک کی ہائٹ 20 لیا ہوگی. میں زوم ونڈو کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھ چکا ہوں. تو میں پڑھاتا ہوں. اس کا نفس ہے رکھتا ہوں اور یہ پاس رکھتا اسٹچ کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کو ایکسکلوڈ کر دیں، اس کو پرنٹ میں امپیکٹ کر لیتا ہے. دوبارہ اسٹچ کی ریکٹینگل لیا ہے اور یہ سینٹر لائن سلیکٹ کیا ہے. اس طرح ہمیں چاہیے 20 اور اس طرح چاہیے 25. اسکیچ فنش کر لیتے ہیں، دوبارہ اسکیچ کر لیتے ہیں.
क्लिक कर लेते हैं और इसको जॉइन में कम कर लेते हैं। ओके हमारा मॉडल तैयार हो गया। ये वी ब्लॉक की तरह है। अब हम इसका 2D ड्राइंग जनरेट करेंगे। तो न्यू फाइल में जाएंगे और मैट्रिक्स में ये ड्राइंग जनरेट करके कोई एक फॉर्म लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल बन गया। इसका आपने टैब है लिस्ट व्यू टैब होगा और एनोटेशन टैब है। इसमें डायमेंशन के लिहाज से स्केच के लिहाज से जिस तरह 3D ड्राइंग हम बनाते हैं टर्मिनल लाइन और ट्रिंगल रे सारे कमांड एक टूल है। अभी पढ़ेंगे ये इसमें के बारे में। सॉफ्टवेयर का जो इन्वेंटर का जो एनवायरनमेंट चेंज होते हैं मुख्तलिफ डायमेंशन चेंज करना होता है, कलर चेंज करना, लेयर वगैरह चेंज करना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यू बेस में आप सबसे पहले बेस पे आए ठीक है और ये मगर ये आपसे कहता है कि सबसे पहले आप इसको सेव करो अपने ये मॉडल को सेव करो। व्यू ब्लॉक रहता है व्यू ब्लॉक के नाम से मैंने सेव कर लिया। अब ये देखिए ये फुटबॉल इसका फ्रंट मेरे सामने आ गया। अब मेरी मर्जी है कि मैं फ्रंट जो भी बना सकता हूँ, मैं इसको भी फ्रंट दे सकता हूँ। ये मेरा फ्रंट हो गया। नीचे आओ या टॉप पे जाओ क्योंकि ये सेम नजर आएंगे इसलिए सेम नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरफ मैं ले जाता हूँ वो उस तरफ उसका एक व्यू क्रिएट कर देता है। दो व्यू एक एक स्केच से क्रिएट हो गए। ये क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके पास एक चार जो है ये 2D मॉडल है और ये इसके साइड से एक, क्योंकि एक मॉडल के छह अतराफ होते हैं, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम ठीक हो गए। तो जिस तरह हम फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में 3 व्यू बनाते हैं और तो बाकी 3 उससे खुद बहुत जनरेट करते हैं, क्योंकि टॉप जिस तरह होता है बॉटम इन दोनों में एक ही बनाया जाता है और राइट साइड लेफ्ट साइड इन दोनों में भी एक बनाया जाता है। फ्रंट और बैक में भी इस तरह एक ही बनाया जाता है। बैक में जो चीज़ होती है वो फ्रंट में हेड अच्छी होती है। जो साइड राइट बनाया जाता है उसमें लेफ्ट का हिडन शो होती है। इस तरह जो टॉप बनाया जाता है उसमें बॉटम के लाइन और जो ऑब्जेक्ट होता है हिडन शो हो जाता है। ये वाली ये और ये डिलीट कर लेंगे। थर्ड एंगल में फ्रंट सामने होते हैं और फ्रंट के ऊपर टॉप होता है और साइड होता है। तो यही तरीका है 3D मॉडल से 2D ड्राइंग जनरेट करने का। और आपने फिर मॉडल की जो स्केच हो वो ड्राइंग शीट के ऊपर बिल्कुल अलाइन करना है, सेंटर में रखना है ताकि ड्राइंग शीट खूबसूरत बनाए। अगर आपने कोई इससे और व्यू लेना हो इस वक्त तो आप इसका एक्सिलरी भी ले सकते हैं, प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। अब मैं इसका प्रोजेक्शन लेना चाहता हूँ, ये देखिए वही दोबारा हो सकता है। अगर मैं इस व्यू का भी ले सकता हूँ, आप मुख्तलिफ एंगल पे इसका ले सकते हैं। जब हम डायमेंशन में जाते हैं
डायमेंशन जिसमें बहुत आसानी के साथ बताइए कि इधर तक इधर तक या 15 दिन हो गए शादी क्योंकि ये दिन 3 दिन बराबर है तो हम भूल देंगे। अब 6 डायमेंशन मैंने सही कर दिया। अब 6 में से मुख्तलिफ जगहों के एक ही लाइन में डायमेंशन शो कर दिया। मैंने एक कलर ये सही किया, दूसरा भी ये सही सही कर दिया, ये भी सही कर दिया और ये भी सही कर दिया। अब मैं क्रिएट कर कंटिन्यू नीचे गया था, सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा कर देता हूँ। यहाँ का यहाँ का नीचे हो गया है, ये क्रिएट होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो ये वाला मैं बना तक ले आता ठीक होगा। दोबारा चेंज हो जाते हैं, ये डायमेंशन ये लाइन है इसका, इसको कंटिन्यू करते हैं तो सामने डायमेंशन क्रिएट हो गया। देख सकते हैं कि इसमें बहुत आसानी के साथ 2D ड्राइंग भी बन गया है और साथ डायमेंशन भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मजीद फिर उस वीडियो में टूल ड्राइंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।